यूपी के मैनपुरी के कुरावली सीएचसी पर नसबंदी कराने गई महिला की हालत बिगड़ी। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कराया भर्ती, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। आपको बताते चले हैं कि मैनपुरी जिले के थाना ओझा थाना क्षेत्र के नगला धर्मपाल ज्योति निवासी संजू ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पत्रकारों से कहा कि उसकी पत्नी सुनीता 35 वर्षीय को गाँव की आशा व उसके पति कुरावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने के लिए ले गए थे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने इलाज में लापरवाही बरती, गलत दवा देने के कारण हालत नाजुक हुई और यहां भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मैनपुरी जिले के सीएमओ चिकित्सकों की टीम के साथ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुँचे। हमारी बहुत सही सलामत थी, ये बोली चलो तुम्हारा ऑपरेशन करा दें कुराली बच्चों वाला। मैं थे दूसरी दुकान पे काम कर रहे थे, बच्चे गए थे स्कूल, इन्होंने भाई मियाँ बीवी गए मोटरसाइकिल पे लेवा ले गए। कौन गए थे, क्या नाम था इनका? नाम नहीं पता, गांव की आशा है। अच्छा। और उनका पति था विजय कुमार, ये लोग गए बुला ले गए, कोई बात नहीं, इन्होंने फ़ोन नहीं हमसे किया। फिर बाद में फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारी बहू के पहले ऑपरेशन हुआ था, हम यहाँ हुआ था, कैसे ऐसे इसको दिक्कत नहीं आएगी, अगर नस मिल गई तो ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो एक टाँका आएगा और सही सलामत घर आ जाएंगे। यानी ठीक है, फिर उन्होंने ऑप्शन कर दिया। फिर बोली अब इसकी बहुत तबीयत ख़राब है, फसूकर हो गया, जे अब वो है कि सैफ ही आ जाओ लेके जल्दी लेने। यानी मैं क्यों आ जाऊँ, तुम लेके गए, तुम जानो तुम लोग, मैं यहाँ आए अब वो नहीं बोलती है नहीं कुछ। डॉक्टर लोग कहते इसको गलत दवा दे दी बेहोश वाली। अच्छा ऑपरेशन हो गया, वहाँ पर ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया। अच्छा वहाँ पर? हाँ, अब मुझे तो नहीं मालूम। तो कुरावली ये सीएससी में हुआ था? हाँ कुरावली। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? सुनीता देवी। उम्र कितनी होगी लगभग? 35-36 साल होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।